कान खोल के सुन ले, इस बदपरवर को कान कान खबर ना हो कि हम कल तेरा रिश्ता देखने जा रहे हैं। अम्मा बड़ी दादी है वो हमारी। सौकन है वो मेरी, बस इतना याद रख तू। मर गए दादाजी, खत्म कर दे ये दंगल आप दोनों भी। मैं कुछ जीवन दे, चाय बना के लाती हूँ अपने मीठे। बस करे बेबे, सारे सवाल बाहर निकाल देंगे सर से, दंगल तो ना करें। ए, दंगल तो होंगे आज, बड़ा मजा आएगा। इधर से हो मजा आएगा, पर्चियां छुरियां चलेंगी, सड़के सुहा हो जाएगी तेरी ये दादी बख्तो। बस एक दफा तेरी नौकरी लग जाए। कितनी बार का है, छोटी दादी है वो हमारी, बख्तो तो ना कहा करे। चूल्हे च पवे तेरी छोटी दादी खसमा नु खानी। शादी के एक महीने बाद मेरे पे सौकन पड़ गई थी। नहीं तो कसूर तो दादी का है ना, जो एक नजर में दिल दे बैठे थे उनको। अल्लाह जन्नत नसीब करे तेरे दादाजी को। वैसे करतूत तो उनके सारे जन्मी थे, उनके अब्बा जी ने नवाब नाम क्या रख दिया, अपने आप को नवाब ही समझ लिया। लो भी दो दो ब्याह करका दिए। जो भी हो दोनों बीवियों को रखा उन्होंने बराबर ही था, एक ही गली में दो दो घर, ऊपर से दोनों से औलादे भी दो दो, बिजनेस भी अलग अलग, बड़े हिसाबी किताबी थे हमारे दाजी मरहूम। टक्कर है पुत्र मेरा, मुंह ना खुलवा, चुप करके जा। आज तेरी नौकरी भी है ना, फिर से इंटरव्यू है ना तेरा? आज नहीं है, कल है। चल कल सही, चुप करके नीमा नीमा होके चला जाई, वरना तेरी छोटी दादी की नजर पड़ गई ना, बड़ी पत्थर पार नजर है उसकी। आई समझ? जी 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 समझ गया सब। बस करें ना, सारा चंपी हो गई मेरी। अच्छा मेरी बात सुन, वो 9 लाखों की टोली को तो कमरे से निकाल, कोई फैत इंतजार कर रहा होगा नाश्ते में। सही, जल्दी जा।